नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम आ जाइए जल्दी जल्दी से। हाँ, एक बार मैं आप सभी लोगों को देख लूं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, तभी हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। और 50 MCQ ऑफ फिज़िक्स हम आज करने वाले हैं और देखते हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी आप क्लास को ज्वाइन कर पा रहे हैं। जल्दी जल्दी से आ जाइए। आते ही दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी क्लास को। सभी बच्चों एक बार लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, तभी हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अनुराधा सिंह है और आप मेरी क्लास SSC कैटेगरी और रेलवे कैटेगरी में पा सकते हैं। ये दोनों जो हमारी क्लासेस हैं, ये SSC में मेरी क्लास आपको दोपहर 2 बजे मिलेगी, और अगर हम बात करते हैं रेलवे कैटेगरी में, तो उसमें आपको मेरी क्लास शाम 4 बजे और उसके अलावा जो है रात को 10 बजे, दो टाइम पे आपको मेरी क्लास मिलेगी। आप वहाँ पर आकर के मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से आ जाइए, एक बार फटाक से सभी लोग आ जाएं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में हमारे दो बैचेस आ रहे हैं। वो दो बैचेस कौन कौन से हैं? एक आपका आइकॉनिक बैच है, 15 तारीख से, ये आज से ये स्टार्ट कर दिया गया है। दूसरा हमारा जो बैच है वो है एकलव्य बैच, ये भी 15 तारीख से स्टार्ट है। ये दोनों बैचेस में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हम दोस्तों अगर बात करें रेलवे की या अगर हम बात करें SSC की, दोनों में हैंड रेस फीचर आ चुका है। हैंड रेस फीचर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये जो हैंड रेस फीचर है इसमें आप ऑडियो क्लास से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं अपने टीचर से, और वहाँ पे आप लाइव पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। और उसके अलावा दोस्तों दूसरी बात ये है कि बहुत ही जल्दी रेलवेज़ का प्राइस हाइक होने वाला है। इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, सब्सक्रिप्शन ले लें। आप जितनी जल्दी सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल भी ना भूलिए, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और उसके बाद अभी जो प्राइस चल रहा है वो आप देख पा रहे हैं, सस्ता है, अभी काफ़ी सस्ता है। 24 महीने का 150 रुपया पर मंथ पड़ेगा, 12 महीने का 250 रुपये, 6 महीने का 400 रुपये। आप यहाँ पर कोड यूज़ कर सकते हैं मेरा, अनुराधा YT10, और उसके बाद हम लोग जो है आप वहाँ पर आराम से आके ज्वाइन कर सकते हैं। SSC की अगर हम बात करें दोस्तों, SSC में भी हमारे बहुत सारे बैच कोर्सेज आ चुके हैं। मैं आपको दिखा दूँ, हमारा SSC का जो बैच कोर्स है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दूँ। हाँ जी, तो ये देख सकते हैं सारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा SSC में भी बैचेस आ चुके हैं, और इसमें जो बैच है आपके वो है फियोनिक्स बैच, और उसके अलावा आपका जो है यहाँ पर है कंप्लीट प्रिपरेशन बैच SCHSL और CPSO के CPO के लिए, सॉरी GSGK फाउंडेशन बैच भी है आपका। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं AIM SSC मल्टीटास्किंग MTS, और क्रैक स्टेनोग्राफर SSC स्टेनोग्राफर के का भी एक पूरा आपका बैच है, फाउंडेशन बैच है, SSC GD का बैच है। सारे बैचेस हैं, डाउट आपको क्लियर आराम से कर दिया जाएगा, फोटो क्रॉप करके बस देनी है, यहाँ पे आपका डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। हैंड रेस फीचर भी अवेलेबल है, SSC में भी आप ऑडियो क्लास से कनेक्ट हो सकते हैं अपने जो भी आपका एजुकेटर है उससे डायरेक्ट। और SSC में भी ऑफ़र बहुत सारे चल रहे हैं, अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप कॉम्बैट SSC कॉम्बैट दीजिए। ये जब आप देंगे ना, लाइव टेस्ट होता है, 50 मिनट में 40 क्वेश्चन कराए जाते हैं। इसको देने से क्या होगा, आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जीत सकते हैं। आप उसको खरीद लीजिए, यानी आप ले सकते हैं,
ये टेस्ट दे दीजिए, ख़रीदना नहीं पड़ेगा, आपको मिल जाएगा ये। और उसके अलावा बहुत सारे ऑफ़र अभी SSC में भी चालू हैं, आप लोग कोड यूज़ करें Anuradha YT 10 और आराम से आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। यस, चलिए। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग फिज़िक्स में हम आज यूनिट से बात करते हैं। फिज़िक्स में यूनिट के से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास मिक्स क्वेश्चन है तो हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। अभी फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज़ होता है क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है वो है विद्युत ऊर्जा संग्रह करने के यंत्र को क्या कहते हैं, उसको हम लोग एक्यूमुलेटर कहते हैं, ठीक है। और एल्टीमीटर, ये उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने का यंत्र होता है। एरोमीटर की बात करें दोस्तों तो वायु और गैस का भार और घनत्व नापने के लिए यूज़ करते हैं। एक्टिनोमीटर से हम वायु का घनत्व नापने का काम करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार से आगे क्रम में दिया हुआ है, एमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोमीटर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, दीपेश कुमार उमंग सभी लोगों को हेलो गुड मॉर्निंग। ऑडियोमीटर का यूज़ करते हैं हम ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, साउंड की इंटेंसिटी। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। बोलोमीटर से हम हीट रेडिएशन मापते हैं। और कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं। डायनेमो से हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है वो मापते हैं। क्रायोमीटर से हम लो टेम्परेचर को मापते हैं। फैदोमीटर से हम डीप सी में गहराई मापते हैं। और गैल्वेनोमीटर से हम धारा की दिशा मापते हैं और विभवांतर मापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम द्रव का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से दोस्तों। चलिए आप यहाँ से आंसर देना शुरू करिएगा, कुछ इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा। रिक्टर पैमाना किसके लिए उपयोग करते हैं, रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर, आंसर करिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पर जल्द से जल्द आंसर करेंगे। प्रेम टेलर, भानु प्रताप सी, भूकंपी लहरों को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का यूज़ करते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी अगर मेज़र करना है तो किसका यूज़ करेंगे, एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्सीमीटर और एल्टीमीटर। जल्द से जल्द आंसर करें इसका क्या हो जाएगा। बताइए बताइए जल्दी से बताइए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। सौरभ कुमार निर्मल जी बोल रहे हैं सी, कुमार उमंग कह रहे हैं सी, वेरी गुड। यस, लक्स मीटर हम लोग यूज करते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता कैसे मापी जाती है, इसको और थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहे हैं, अभी बताइएगा। ये मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था, अब आपको आंसर करना है। एक्सपेक्टेड ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय हाइड्रो, हाइग्रो, पहला वाला हाइड्रो है, दूसरा वाला हाइग्रो है, ठीक है। और उसके बाद है आपका पोटेंशियोमीटर, फिर है लैक्टोमीटर। जवाब दें। सौरभ कुमार बी बता रहे हैं, रिया देव बी बता रहे हैं, वेरी गुड। हम यहाँ पर हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। अब ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको देने होंगे। बताइए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आपके SSC एग्जाम में तो इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, कुछ आपको यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। बताइएगा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या होता है। चलो प्रेम, रिया, अमित सब लोग बार ट्राई करिए, उमंग, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, जल्दी से बताइएगा। अमित मिश्रा कह रहे हैं ओम, अमित मिश्रा का आंसर आया है यस। और कोई है जो बताएगा, चलिए शक्ति का मात्रक, रवि जी वेलकम, ओम और वॉट, चलिए वेरी गुड। यस, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है हमारी ओम।
शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड, या फिर आप उसको वॉट भी कह सकते हैं, दोनों होगा। वेरी गुड, सबका ही आंसर सही है, कोई गड़बड़ नहीं बताया। पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल इज द यूनिट ऑफ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत मोटर में कौन सा बल काम करता है? चलिए अब इसका आंसर दें, और सभी बच्चे जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को और आंसर दीजिए फटाक से, बताइए। प्रेम कह रहे हैं दाब, अमित का भी कहना है दाब, हम लोग पास्कल दाब के लिए, प्रेशर के लिए यूज करते हैं। सौरभ का भी सेम आंसर है, रिया का भी, वेरी गुड। यस, ये तो आसान था, नीचे वाला बता दीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर कौन से फोर्स पे काम करता है? हाँ, वेरी गुड, यस रवि, सही कहा आपने। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, पास्कल द्रव दाब, यानी हम प्रेशर में भी जो लिक्विड का प्रेशर होता है उसको हम लोग पास्कल से मापते हैं, और जो हमारा विद्युत मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर काम करता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल। यांत्रिक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल, लेकिन उनका मेन फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। रवि का आंसर सही है, ईएमएफ। सबसे पहला स्वचालित वाहन किसने बनाया था? ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक व्हीकल सबसे पहला किसने बनाया था? हु मेड द फर्स्ट ऑटोमेटिक व्हीकल? यस, अमित का आंसर अच्छा पुराना वाला है, सभी बच्चे आंसर करिए। कार्ल बेंस, वाओ, बहुत अच्छे रवि, वेरी गुड। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे काम करेगा? फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? फाउंटेन पेन कौन से सिद्धांत पे काम करता है? चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, स्वचालित वाहन कार्ल बेंज ने बनाया था, और कैपिलरी एक्शन पे, केशिकत्व पे काम करता है हमारा फाउंटेन पेन भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? केशिकत्व, सरफेस टेंशन नहीं, केशिकत्व, कैपिलरी एक्शन पे काम करता है, धीरे धीरे स्याही ऊपर की ओर चढ़ती है निब में। नेक्स्ट में आते हैं हम, डीजल इंजन की खोज किसने की थी? पहला और दूसरा, जहाजों में समय मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अविनाश बारिक, यस वेरी गुड, बताइए डीजल इंजन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर डीजल इंजन, और जहाजों में समय मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? यस वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, यहाँ पे रवि का भी आंसर सही है, अविनाश का भी सही है, सौरभ का भी सही है। डीजल इंजन की जो खोज है वो किसने की है? रोडोल्फ डीजल ने, और हम लोग जहाज में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का यूज करते हैं, ये आंसर बस अविनाश ने सही किया है। नहीं कुमार उमंग जी, सोनार से तो हम किसी चीज की स्थिति का पता लगा सकते हैं ना, समय थोड़ी माप सकते हैं, यहाँ पे समय मापने की बात पूछी गई है। अब इन दोनों का आंसर करिएगा, रिक्टर स्केल पर क्या माप सकते हैं? पहला, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? दूसरा, यस दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं रिक्टर स्केल हम लोग किस लिए यूज करते हैं, अभी आपने शुरू में ही ये कर लिया है, अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी के लिए, अर्थक्वेक इंटेंसिटी। उमंग वेरी गुड, अविनाश वेरी गुड, रवि वेरी गुड, दूसरा वाला बताइए, रडार का उपयोग किस लिए करते हैं? यस दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हम लोग रडार का उपयोग करते हैं जहाज, युद्ध विमान, ये सबको पता लगाने के लिए करते हैं, और पहला वाला तो आप सभी को पता ही है। दूसरे में आते हैं हम लोग, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है क्या? चलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ रवि वेरी गुड,
एरोप्लेन का डिटेक्शन करने के लिए। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे हम क्या मापते हैं। जल्दी बताइएगा, टैकोमीटर वह उपकरण है यस वेरी गुड, यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। टैकोमीटर से हम लोग मापते हैं। यस यस यस, हम यहाँ पर स्पीड मापते हैं, चाल। तो यहाँ पर किसने सही आंसर किया है? किसी ने भी सही आंसर नहीं किया है, बस रवि का आंसर सही आया है, स्पीड ऑफ शाफ्ट। अविनाश का भी सही है, भानु ने प्रवाह लिखा है, फ्लो नहीं, फ्लो नहीं मापते हम लोग, स्पीड मापते हैं इससे हम लोग। सदिश राशि क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? सदिश राशि इसमें से क्या है? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? सदिश राशि जो है इसमें से कौन सी पूछा गया है? तो कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। काजल का आंसर सही है, रवि का भी आंसर सही है, बलविंदर का भी आंसर सही है, और तो मुझे नहीं दिख रहा है किसी का। पूजा का भी सही है, रिया का भी सही है, मधु का गड़बड़ हो गया, उमंग का भी गड़बड़ हो गया। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट में आते हैं हम, जहाजों के में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? अभी जस्ट आप थोड़ी देर पहले ये किए हैं, थोड़ी देर पहले आपने ये क्वेश्चन किया है, हम जहाज का उपकरण कैसे मापते हैं जहाज में समय मापने के लिए। हाँ प्रेम, रवि, रिया, इस बार सबका आंसर सही हो गया, काजल का गलत हो गया। क्रोनोमीटर का यूज करते हैं जहाज में हमें जब समय मापना होता है। नेक्स्ट में आते हैं हम, विभवांतर मापने के लिए वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, वोल्टेज भी नहीं कहेंगे। हाँ क्रोनोमीटर की खोज हैरिसन ने की है। हाँ जी वेरी गुड, यहाँ पर याद रखिएगा विभवांतर मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर का, ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रेम का आंसर फिर से गड़बड़ हो गया है। प्रेम जी थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के तब आंसर करिए ना। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? ज्ञानराज जी गुड मॉर्निंग। पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, यस वेरी गुड, ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, सी वी रमन, एस रामानुजन, रिया बी, ज्ञानराज ए, ज्ञानराज का आंसर ए आया है। यस दोस्तों यहाँ पर एस चंद्रशेखर करेक्ट हो जाएगा, रवि ने सही आंसर किया है, अविनाश ने भी सही आंसर किया है, भानु का गड़बड़ हो गया है। ब्लैक होल सिद्धांत की बात की गई थी, ये एस चंद्रशेखर के द्वारा खोजा गया है। शांता की एसआई इकाई, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, पहला है पॉइस, दूसरा है पास्कल, तीसरा है पॉइजुली। लाइक कर दीजिए एक बार सभी लोग सेशन को।
ये बहुत ही आसान था दोस्तों, श्यांता की ऐसा ही इकाई पूछी गई थी, आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइज। ठीक है, पॉइज हम लोग श्यांता की ऐसा इकाई के तौर पर यूज करते हैं। वेरी गुड, ए अभिषेक, ज्ञान, सौरभ, सबका ही आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, चालक की प्रतिरोध इकाई क्या है? चालक की प्रतिरोध इकाई पूछी गई है, रेजिस्टेंट यूनिट इज। चालक की प्रतिरोध इकाई क्या है बताइएगा। कुमार उमंग डी, सभी लोग डी के साथ जाना चाह रहे हैं। यस, यहाँ पर चालक की प्रतिरोध इकाई ओम हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ आंसर लिखा है, वोल्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बैरल तेल में कितना लीटर मौजूद होता है? बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। बताइएगा तेल का एक बैरल कितना लीटर उसमें होता है? यस यस यस, वेरी गुड, 159 लीटर होता है। सभी का आंसर यहाँ पर लगभग सही आ गया, किसी ने भी गड़बड़ नहीं किया। अभिषेक, ज्ञान, बहुत अच्छे। यस, नेक्स्ट में आते हैं हम, पास्कल इकाई है किसकी? ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही किए हैं। जल्दी से बताएगा। यस, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दाब। प्रेशर में भी, लिक्विड के प्रेशर के लिए हम लोग पास्कल का प्रयोग करते हैं। पारसिक किसका मात्रक है? पारसिक किसका मात्रक है? यस यस यस, सब लोग यहाँ पर, अच्छा है तो आंसर भी दिख रहा है ना। वाह, मेरे जैसा टीचर कहाँ होगा, आंसर दिखा के पूछ रहा है, सॉरी यार। इसमें आते हैं कार्य का मात्रक, सब आंसर कर रहे हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस। बहुत तेज है तुम लोग, चलो आगे आ जाओ। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, आप लोग का ये जो रिप्लाई है ये मोबाइल में देखना होता है और पढ़ाना लैपटॉप में होता है, तो इस प्रकार की छोटी मोटी गलतियां मुझसे अक्सर हो जाया करती हैं। जल्दी से बता दीजिए। यस, यहां पर करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या हो जाता है? जूल। वेरी गुड, ठीक है, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? आप लोग कमेंट मुझ तक लेट पहुंचता है तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? बहुत ही आसान है। यस, 746 वॉट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट में आते हैं हम, बल का मात्रक क्या होता है? देखिए देखिए, क्या है ना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, बट आपको ये बेसिक क्वेश्चन भी अच्छे से आने चाहिए, ये बात है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप सीरियस होके आंसर करिएगा।
यस, बल का मात्रक यहाँ पर आपका न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, इसमें भी आंसर दिया हुआ है। विलियम रोंजन ने किसका आविष्कार किया? विलियम रोंजन ने किसका आविष्कार किया? विलियम यस दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? एक्सरे। बहुत अच्छे, यस विलियम रोंजन ने एक्सरेस, नहीं सॉरी, वो विलियम रोंजन नहीं, विलियम रोटेंजन जो है उन्होंने एक्सरे का खोज किया है। ये विद्युत बल्ब ले जाने जाते हैं, इसको एक बार वापस से चेक करना पड़ेगा। रोटेंजन और रोंजन दो अलग अलग नाम है शायद। इसमें आते हैं हम लोग, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके लिए यूज़ करते हैं? ये बेहतरीन क्वेश्चन है। पायरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? वायु दाब, आर्द्रता, उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता। चलिए इसका आंसर करेंगे बलविंदर ए, एक्सरे ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद चेक कर लेंगे, एक्सरे ही होना चाहिए वैसे। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसको मापने के प्रयोग में लाया जाता है? वायु दाब, आर्द्रता, उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता। यस वेरी गुड, यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पायरोमीटर से हम लोग हाई टेम्परेचर को मापते हैं, हाई टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, पायरोमीटर का यूज होगा। अब यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे मापेंगे? ये तो शुरू में ही जब थियरी करा रहे थे तभी बता दिए थे हम आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मापते हैं। लाइक कर दीजिए सभी बच्चों एक बार, बहुत ही अच्छे से लाइक कर दीजिए और फिर यहाँ पर आंसर करते जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बताएं कैसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं? बलविंदर बोल रहे हैं ए, बार से। बहुत आसान क्वेश्चन था, यस बार से हम लोग मापते हैं, एटीएम बार उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने एक्सरे किरणों का आविष्कार किया? रदरफोर्ड, रोटेंजन, मैक्सवेल, टॉर्सेली। इसका भी आंसर अभी जस्ट किए हैं ये क्वेश्चन है ना, जस्ट किए हैं तो ये पता ही होगा आपको। यस दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा रोटेंजन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं कुछ और बेसिक क्वेश्चंस में, जहां पर हम मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है? ये तो कर चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए। यहां से आते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? डिस्टेंस, टाइम, लाइट और करंट। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लास के दौरान बीच में बताना चाहूंगी, जो जितने बच्चे यहाँ पे मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी मुझे अन अकेडमी पे फ्री क्लास में अभी यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे लगातार वहाँ पर ज्वाइन करते भी हैं, तो आज 1 बजे, 1 बजे से लेकर के जो है आपका 1:45 तक 45 मिनट की क्लास चलेगी, जिसमें कि हम लोग क्वालिटी के एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप आइएगा, इनरोल कर लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम पे उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो जितने भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग आइएगा 1 बजे, 1 से 1:45 तक आपकी 45 मिनट की क्लास होगी, जिसमें हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी का मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यस, प्रकाश वर्ष का मात्रक आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में, जड़त्व का माप कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया? दीपक यादव ए, बबली कुमारी जी ए, जल्दी से आंसर करेंगे। अब यहां पर बताइएगा, यस दोस्तों यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें से जड़त्व की मात्रा, कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मास। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, पारसिक किसकी इकाई है?
पारसेक किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश की चमक और मैग्नेटिक फोर्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे, पारसेक किसकी इकाई है? यस दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पारसेक से हम डिस्टेंस मापते हैं, ए आंसर करेक्ट है। इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है वो बताइए। ध्यान से ऑप्शंस देख करके तब आंसर बताइएगा जो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है वो। यस दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये बात इसमें गड़बड़ दी हुई है, ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यस दोस्तों, हाँ डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपरोक्त तो दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यूनिट ऑफ ल्यूमेन। यस 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 भानु प्रताप, वेरी गुड। बबली कुमारी जी ए बता रहे हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ज्योति फ्लक्स, फ्लेम फ्लक्स भी उसको हम कहते हैं, उसका मात्रक है। भानु का आज आंसर बहुत सारा करेक्ट हो रहा है यार, क्या बात है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? यस दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही आसान है ये, एक मिनट रुक जाइएगा। ये हमारा रेडियो की, रेडियो एक्टिविटी की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, पास्कल तो हम जान चुके हैं प्रेशर का है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। हाँ जी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कैंडेला जो है लाइट इंटेंसिटी का मात्रक है, डी आंसर करेक्ट है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल इज द यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग, एनर्जी, फोर्स, प्रेशर और टेम्परेचर। मुकेश जी का आंसर डी आया है। यहां पर बहुत ही आसान है ये, करेक्ट हो जाएगा हमारा ऊर्जा। हर्ट्ज से हम क्या मापते हैं? हर्ट्ज से हम क्या मापते हैं? तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता और तरंगों की आवृत्ति। यस, यहां पर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हमें मापना है तो हम तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मापते हैं, ठीक है। मुकेश का एनर्जी आंसर आया यहाँ पे, डी करेक्ट हुआ, डी। यस रवि, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? What is the unit of electrical quantity? Ampere, ohm, volt or coulomb?
यस, एक बार लाइक कर दिया सभी दोस्तों, और फिर आंसर करिएगा। हाँ जी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है, ए आंसर करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं हम। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एसआई यूनिट? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति कौन लोग डायोप्टर से मापते हैं? ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। एसआई यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशियंट, इलास्टिसिटी कोफिशियंट का एसआई यूनिट? रविशंकर जी, डी निशान डायोप्टर, सी आर डायोप्टर। यस दोस्तों, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट रहेगा। पिछले वाले का आंसर डायोप्टर है, इसका आंसर हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? यहाँ पर आंसर करेंगे। क्या हुआ मुकेश? बबली कुमारी गोर जी सी बता रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला? फोर्स और प्रेशर, कार्य एवं ऊर्जा, इंपल्स एवं मोमेंटम और वेट एंड फोर्स। यस, यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र किसके नहीं है? यहाँ पर करेक्ट रहेगा बल एवं दाब, ए आंसर करेक्ट है। काजल का आंसर डी आया नहीं। हाँ यस, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बल एवं दाब, ए आंसर करेक्ट है। अभय का भी सही है। नेक्स्ट में आते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज रिलेटेड टू? यस यावर अली, ए आंसर करेक्ट था उसमें। यहाँ पे बताएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, और इनमें से कोई नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज रिलेटेड टू, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, और इनमें से कोई नहीं। खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। यस, कितना मस्त मस्त सब इमोजीज बना के आंसर कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। मुकेश यादव, बहुत तुमने स्टाइल में आंसर किया है, वाह चमक गया एकदम चैट सेक्शन। इसमें से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, संवेग, वेग और कोणीय वेग और द्रव्यमान। यस दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा द्रव्यमान। पूजा का आंसर बिल्कुल सही आया है, वेरी गुड पूजा। नेक्स्ट में आते हैं हम। रवि का भी आंसर सही है। अदिश राशि आपको बतानी है, स्केलर स्केलर क्वांटिटीज में से कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी, उमंग का भी आंसर सही है। एनर्जी, टॉर्क, क्यों संवेग को मोमेंटम कर लीजिए, यहाँ पे इमोशन दिया हुआ है, गलत है। अब है क्या हुआ? मुंह क्यों बंद कर लिए? ही, सही कह रहे हो भानु प्रताप, ही। तुम्हारी इमोजी बोल रही ही। चलें इसका बताएंगे करेक्ट आंसर। अदिश राशि इसमें से कौन सी है? ऊर्जा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। इसमें से एक वेक्टर क्वांटिटी बतानी है आपको। एक वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? संवेग,
यहाँ पे अगेन करेक्ट कर लीजिएगा, मोमेंटम होगा, इमोशन बार बार किया हुआ है यहाँ पे, फिर है प्रेशर, फिर है एनर्जी, फिर है वर्क। रवि एनर्जी, हरिकेश, हरिकेश यादव जी हेलो, यावर अली ये बता रहे हैं। सदिश राशि कौन सी है, यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, संवेग यानी मोमेंटम, इमोशन लिखा है इसको सही कर लीजिएगा, मोमेंटम इसको कहेंगे हम लोग, यही, यस अभय वेरी गुड, यही आपका एक सदिश राशि है। इसमें से कौन सी राशि अदिश नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा। यस दोस्तों, यहां पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, कौन सी राशि सदिश नहीं है, आयतन, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम, इसमें से एक सदिश राशि कौन सी है, ये बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा। हाँ, इसमें से कौन सी सदिश राशि है, वेग, ए आंसर करेक्ट है दोस्तों यहाँ पर, वेरी गुड। हाँ सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार, यस रवि वेरी गुड। एक डिराइव्ड कौन सा डिराइव यूनिट नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम और स्पीड, जल्दी से बताएंगे। यस यहां पर करेक्ट हो जाएगा मास, ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। ओके नेक्स्ट में आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, जल्दी से बताएगा, वेग, एक्सेलरेशन, मास और फोर्स, दोस्तों यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा, मास, ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, बफरिंग हो रहा है, एक बार चेक कर लूं मैं, नेटवर्क तो सही चलना चाहिए यार, अभी बताइए आवाज आ रही है मेरी आपको, हेलो 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 हेलो, ये क्या हो गया अचानक से मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम, आवाज में दिक्कत है या क्या, अरे यार मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, बारिश हो रही है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी बताइए आवाज आई, आई 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 आवाज आ रही है, क्वेश्चन चेंज कीजिए, क्वेश्चन चेंज तो किया हुआ है मैंने यार, अब ये बताइए, क्वेश्चन लेट से दे रहा है, क्वेश्चन लेट से तो आता ही है, थोड़ा 60 सेकंड का तो समय लग ही रहा है उसमें। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, ये किस में है, अभी भी नहीं आया, उसकी वजह से ऑप्शन मिसमैच हो रहा है, क्या है यार ये, ऐसा कैसे हो रहा है, अभी क्या दिखा रहा है आपको क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन क्या दिख रहा है,
ये मैंने यहाँ पर न्यूटन का एक क्वेश्चन है, न्यूटन की गति संबंधित है, और यहाँ पर ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी हो रहा है पर अब ठीक है, वॉइस पहले आ रही है। नो, अरे यार, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम सेशन को ओवर कर देते हैं। मुझे लग रहा है मेरा नेटवर्क इशू ही है। हाँ एग्जैक्टली, नेटवर्क इशू ही है, तो मौसम थोड़ा ख़राब है इस वजह से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब स्पेशल क्लास में, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में आइएगा, वहीं पर आएंगे, वहीं पर बाकी क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अभी आएगा, ये थोड़ा दिक्कत तो इसमें होगी। अच्छा आप ये बताइए अभी क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है अभी ये बताइएगा। अभी भी वही है, फर्स्ट लॉ। अच्छा आप लोग पिछले वाले का आंसर देने लगे। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का क्वेश्चन है, क्या आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है?